चलिए आइए दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा रहेगा कि आउटलाइन का हम कोलड्रा के अंदर सही तरह से यूज़ कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू यूज़ आउटलाइन इन कोलड्रा, कोलड्रा के अंदर हम आउटलाइन का यूज़ कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक हमारा यहीं रहेगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम खटक पर। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि हम किसी भी टेक्स्ट के अंदर हम आउटलाइन का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल के तौर पे हम उठा लेते हैं इस टेक्स्ट को और इसको हम रख लेते हैं अलग जगह पे। तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ कि हम सही तरह से आउटलाइन का यूज़ कैसे करते हैं। इस टेक्स्ट को हम रख लेते हैं यहाँ पर और इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं एक बार आपको दिखाने के लिए। ये है रेड कलर हो गया और इस बेस का कलर हम कर लेते हैं ग्रे इस टाइप से। तो कई लोग क्या करते हैं, गलती से आउटलाइन का यूज़ करते हैं। जैसे हम दबाते हैं F12, उसके बाद में हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे 4, उसके बाद में हम यहाँ पर आउटलाइन का कलर दे देते हैं वाइट और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कर देते हैं ओके। तो कुछ इस प्रकार से आउटलाइन हो जाती है, जैसे कटे हुए अक्षर दिखाई दे रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल बारीकी से। तो आज की वीडियो का हमारा उद्देश्य सिर्फ यही था कि आउटलाइन का यूज़ हम ठीक तरह से कैसे करें। तो चलिए हम इसको कर लेते हैं अंडू यहाँ से, उसके बाद में हम लोग सेम वही पोजीशन पे जाएंगे F12, उसके बाद में नन की जगह पे यहाँ पर 4 और यहाँ पर कलर कर देते हैं वाइट। उसके बाद में आप लोग ये देख सकते हैं राउंड कॉर्नर, ये कॉर्नर के शेप है, जिस प्रकार से हमें कॉर्नर के शेप चाहिए उस प्रकार से हम यहाँ पर कॉर्नर को चेक कर सकते हैं। जैसे हमने राउंड का ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक कर दिया, उसके बाद में बिहाइंड फील का यूज़ यहाँ से कर दिया ठीक है, उसके बाद में स्केल विद ऑब्जेक्ट इस पे भी चेक कर दिया, उसके बाद में हम यहाँ पर कर देते हैं ओके। तो देख सकते हैं आप लोग कितनी सही तरीके से आउटलाइन का यूज़ हम कर पाए हैं। ये देखिए अब कहीं पे भी कोई कट का ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल प्लेन शार्पनेस से ये जो है आउटलाइन इसकी लग गई है। अब चाहे तो हम इसकी आउटलाइन का साइज़ बढ़ा या घटा सकते हैं, सेम वही प्रोसीजर रहेगा F12 और उसके बाद में ये आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि हमें कितना साइज़ इसका चाहिए। तो पहले हमने 4 रखा था, उसके बाद में अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा करके देख लेते हैं, जैसे 8 पे ओके कर देते हैं और सेम प्रोसेस वहीं ओके। ये देखिए थोड़ा सा साइज़ देखिए इसका यहाँ पर से बढ़ गया है। एक बार हम इसको आपको घटा करके भी दिखा देते हैं कि किस प्रकार से हम इसको घटा या बढ़ा सकते हैं। तो बढ़ा के तो हमने आपको दिखा दिया, अब इसको हम आपको थोड़ा सा जो है घटा करके भी दिखा देते हैं। अब हमने इसका साइज़ जो है 8 रखा हुआ है और दोबारा से हम F12 दबाएंगे, उसके बाद यहाँ पर सिलेक्ट किया और हमने 8 और 4 आपको दोनों यूज़ करके दिखा दिए। अब यहाँ से हम कर लेते हैं इसको 2 यानी कि 2 ओके किया और यहाँ पर भी हमें ओके किया। ये देख सकते हैं आप लोग इसका साइज़ जो है घट गया है, पहले हमने 4 दबाया था उसके बाद में 8 और अब देखिए हमने इसको घटा के आप लोगों को दिखाया है, ये 2 पे इस प्रकार से कुछ दिखाई दे सकता है ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आशा है आप लोगों को ये हमारी छोटी सी जो क्लिप है जो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए।